हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है हेलोनिक्स ब्रांड का 12 वॉट स्मार्ट एलईडी बल्ब। फ्रेंड्स, ये मैंने खरीदा है अमेजोन प्राइम डे सेल के अंदर 559 रुपीज के प्राइस में। तो आज हम करेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और इसका क्विक सेटअप करेंगे हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई ऐप के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको अगर हमारे चैनल का वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं टेक दूत। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है हमें, काफी प्रीमियम फिनिश है बॉक्स की। और इस तरफ आप देखें तो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट किया गया है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे बल्ब के कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि ये वाईफाई को सपोर्ट करता है, इसको आप डिम कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कलर भी सपोर्टेड है, और उसके साथ साथ आप इसको गूगल होम और अमेजोन अलेक्सा के साथ भी पेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई ऐप, जिससे कि हम इसको सेटअप करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है और मेन बल्ब यूनिट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन बल्ब की स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट की गई हैं, आउटपुट और इनपुट रेटिंग हाईलाइट की गई हैं। तो कुछ इस तरह से बल्ब की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये B22 कनेक्टर के साथ आता है, जो कि काफ़ी कॉमन कनेक्टर है, इंडियन होम्स में हर जगह पाया जाता है। तो चलिए, ये थी अनबॉक्सिंग, अब हम इसका सेटअप करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई ऐप को सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्ले स्टोर से हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई ऐप को पहली बार इंस्टॉल किया है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग क्विक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐप को रजिस्टर कर लिया है और यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको ऐड डिवाइस बटन देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम ऐड डिवाइस करते हैं और अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें वाईफाई बल्ब को ऐड करना है, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बल्ब को आपको ब्लिंकिंग मोड में लाना पड़ेगा पेयरिंग को स्टार्ट करने के लिए। बल्ब अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, उसको हम करने के लिए बल्ब के स्विच को हमें 3 बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि वो ब्लिंकिंग मोड में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, अब बल्ब पेयरिंग ब्लिंकिंग मोड में आ चुका है, जल्दी से हम कंफर्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसे हम अलाउ कर देते हैं और यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड हमें एंटर करके प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स, हमने वाईफाई का पासवर्ड एंटर कर दिया है और आप देख रहे हैं बल्ब कनेक्शन की ओर आगे बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये परसेंटेज बार कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, एक एक करके स्टेजेस पूरी हो गई हैं, डिवाइस फाउंड रजिस्टर्ड हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिड सक्सेसफुली हेलोनिक्स प्रिज्म वाईफाई बल्ब, और आप डन दबा देते हैं। तो फ्रेंड्स, बल्ब पेयर करने के बाद हमें ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी हद तक विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम एप्लीकेशन की तरह ही दिखता है। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है म्यूजिक। तो हम सारे ऑप्शंस आपको एक एक करके दिखाएंगे। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें टाइमर से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, बल्ब को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर कंट्रोल से बल्ब का कलर टोन चेंज कर सकते हैं, वाइट को आपको कूल रखना है या वार्म रखना है, तो आप वाइट कलर की टोन को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस बार से इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, डिम करना है या हाई करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब की तरफ आप चलें तो यहाँ पे ये है कलर, तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स स्पेक्ट्रम में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और बल्ब उसी कलर का लाइट आपको देने लग जाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें नीचे कंट्रोल्स दिए गए हैं बल्ब का इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे नीचे भी एक कंट्रोल दिया गया है, तो कुछ इस तरह से वो बल्ब के कलर टोन को चेंज कर देता है।
नेक्स्ट टैब में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है सीन, जो कि कुछ हद तक आप इसे मूड भी कह सकते हैं। तो आपका जो भी मूड हो उस हिसाब से ये कलर चेंज करेगा बल्ब। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग मोड लगा लीजिए इसमें, तो ये एकदम ब्राइट लाइट देगा। रीड कर रहे हैं तो ये एकदम ब्लू लाइट को फिल्टर, जैसा कि फोन में ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वैसे ही ये आपको सॉफ्ट लाइट देगा जो कि आपकी आंखों के लिए रीडिंग में हेल्प करेगी। तो इस तरह से आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। नाइट में थोड़ा लो इंटेंसिटी वाला मोड है। चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है म्यूजिक। और आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कमेंट्स में कि म्यूजिक के साथ बल्ब की लाइट्स को कैसे कंट्रोल करना है वो करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, ये एक्चुअली बल्ब की और ऐप की दोनों की फीचर होती है। हमने विप्रो बल्ब को हेलोनिक्स एप्स के साथ भी यूज करके देखा हुआ है, लेकिन वहां पे म्यूजिक हमें ऑप्शन नहीं दिखता था। लेकिन हेलोनिक्स स्मार्ट बल्ब के साथ जब हम हेलोनिक्स ऐप को यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे म्यूजिक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको एक डेमो दिखाते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि म्यूजिक पे बल्ब कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ पे अपने फोन में जो भी गाना चलाएंगे म्यूजिक एप्लीकेशन पे, बल्ब उसी तरह से उस म्यूजिक पे रिएक्ट भी करेगा। म्यूजिक के अलावा आपकी वॉइस पे भी रिएक्ट करता है अगर आपने म्यूजिक मोड सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा है अभी मेरे फोन में, उसके बाद भी आप बल्ब को रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं मेरी वॉइस पे। तो फ्रेंड्स ये था हेलोनिक्स 12 वॉट स्मार्ट एलईडी बल्ब का क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक सेटअप। अगर आप भी सोच रहे हैं ऐसा बल्ब लेने के लिए, तो हमने इसका प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी इससे हेल्प हुई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक दूत। आपका दिन शुभ रहे।